नमस्कार, मैं हूँ श्री बुढ़ानी। हम इस समय मौजूद हैं गांव अलावलपुर में। कदीमी गांव है, काफी बड़ा गांव है अलावलपुर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पानी की समस्या गांव में काफी गहराई हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और उस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग जरूरी है। आइए बात करते हैं गांव अलावलपुर के लोगों से, आने जाने में किस प्रकार से कठिनाई आती है। ये जो सड़क जा रही है ये खजूरगा के लिए जा रही है, ललपुरा के लिए जा रही है और ये अलावलपुर का ये गांव है। सबसे पहले बात करेंगे, हाँ जी क्या नाम है आपका जी? भजन सिंह है जी। भजन सिंह जी, एक समस्या बड़ी गहराई हुई है पानी, क्या कहेंगे? पानी नाली रोक रखे, आगे जोहड़ में मकान बन गए, अब क्या कहाँ जा रही है सड़क पे भर जा रही है। अच्छा, जोहड़ में मकान बन गए, तो कोई ये बता रहा था कि 24 एकड़ जमीन थी जोहड़ की, उस पे कब्जा कर लिया, 2 एकड़ रह गई। थोड़ी सी रही है जी, सब में मकान बन रहे हैं जी। ये स्कूल में देखी थी बड़ी पोखरी, जो लड़कियों का घर स्कूल बना दिया है। अच्छा, हाँ जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जी। पहले कभी पानी नहीं पड़ता था? नहीं, पहले नहीं है जी, पहले तो साफ नाली में चले जाओ, पोखर खाली थी, अब तो पोखर मकान बन गया, मकान घिर लिए, पोखर घेर रखी चारों तरफ से, पानी जाए कौन सड़क पे, नाली बंद कर रखी। भजन सिंह का ये कहना है कि समस्या काफी गहराई है, कब्जा कर लिया है जोड़ों पर, जिसकी वजह से जोड़ सिकुड़ गए हैं और नालियां बंद हो गई है, जिसकी वजह से पानी भरा रहता है हर समय, 24 घंटे पानी भरा रहता है, 12 मास पानी भरा रहता है। क्या नाम है आपका जी? रामवीर सिंह जी। रामवीर जी, जिस जगह पर आप खड़े, आसपास रहते हैं क्या? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं। अच्छा, मोहल्ले में, इसी में। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है ये? मेरा मेहता मोहल्ला है। अच्छा, इस मेहता मोहल्ले में इस चौक पर पानी भरा रहता है, पूरा साल भरा रहता है? इसी चौक पर साल भर नहीं, पूरे गांव की तरफ पानी भरे, चारों तरफ गांव के पानी भरा हुआ है और इससे तो गांव पूरा परेशान है। अब उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा सा सरपंच आए और इस पानी का निकासी का कोई समाधान ढूंढे। सरपंच जी के चुनाव 25 तारीख को, 16 लोग कैंडिडेट खड़े हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति के भी वायदे करने के लिए आ रहे होंगे, स्वर्ग बनाने के वायदे को साथ प्रत्याशी जी आपके बीच में आ रहे होंगे, क्या लगता है आपकी ये लोग काम करेंगे पूरा? इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम करेंगे और कुछ तो ऐसे हैं जो पहले याद आ गए, जिनके पहले ही जिनने यू नाश करे हो, जो पानी की जो निकासी ना करी वे भी जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे, वे काम करेंगे? और नए नए युवा बालक जो आ रहे हैं उनसे उम्मीद है। अच्छा, जो पहले जो दाग, जिसके आप कह रहे हो पहले जो कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं करेंगे, दाग रहे चुनाव मैदान में, तो माहौल तो उनका भी बहुत बढ़िया बहुत दिखाई दे रहा है। ये तो समय बताएगा उनका क्या माहौल है, इस समय था लोगों ने उम्मीद करके वोट दी थी उनको, ऊपर ला भी समय और नीचे ला भी समय था, उन्हें वे समय निकाल दिया, अब उनका समय ही नहीं रहा, अब तो उन्हें गांव में वोट की जहाँ था उन्हें शायद ऐसा लगा गली में ना भरन देंगे लोग। अच्छा, पूर्व मंत्री सुभाष गताल इसी गांव के, देवीलाल सरकार में मंत्री भी रहे थे, चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया, गांव जनौली के हैं, लगभग इसी गांव के माने जा सकते हैं, तो ये बड़े बड़े नेता गाँव के होते हुए भी अब जो इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में भी काम रुके हुए और कांग्रेस की सरकार में रुके हुए थे, जोहड़ बना हुआ है ये सारा इलाका, दुख तो होता होगा। देखो, कत्याल जी के टाइम में, मंत्री जी के टाइम में तो ये समस्या थी नहीं, उसके बाद में करंदलाल आया, जब आपको भी पता सब कुछ, उसके बाद में रघुवीर सिंह तेवतिया आए, रघुवीर सिंह तेवतिया ने पूरा गांव पक्का किया और गली और जंगल की गली भी पक्की कराई, लेकिन वे हमारे उस टाइम के जो सरपंच था उस सरपंच की कमी रही है। ये तेवतिया ने तो ये कहा कि पैसे जितने चाहिए उतने दे दूंगा मैं, पर सरपंच इस गांव की गंध को निकालना चाहता ही नहीं था। अच्छा, जैसे कब्जे हो रहे हैं छुड़वाए जा सकते हैं आज? आज तो सरकार ही नहीं है जो छुड़वाते, आज की सरकार होती सारे काम होते। अब 3 साल है गए, 3 साल में, 3 साल में हमारे गांव में तो सरकार का 1 भी रुपया आया नहीं। यस, क्या नाम है आप, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी चंद्र प्रकाश। अच्छा, ठीक है जी, मैं ये बोलूंगा जो ये बीजेपी की सरकार यहाँ आई है, पिछले बीजेपी की सरकार में यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, जो ये रोड देख रहे हो ना सामने, पिछले 8 साल का बनाया ये रोड, पिछले 8 साल का बना हुआ रोड है जिसको आप देख रहे हो, और ये नुक्कड़ है, ये पिछले कांग्रेस सरकार की बनी हुई नुक्कड़ है, इसमें ये बताओ नैनपाल रावत को बने हुए 3.5 साल हो गए ये यहाँ का,
आज तक यहाँ पे उसने इस गांव के अंदर अलावलपुर के अंदर एक दिन किसी बड़े बूढ़े के लिए या किसी भी चीज के लिए, गांव में मेला लगता है बहुत काम होते हैं, एक दर्शन नहीं दिया उसने कि गांव में ये काम करा दें हम। अच्छा अब तो सर चुनाव आ रहे हैं, 22 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे, 25 तारीख को सरपंच जी के होंगे, उम्मीद है कैसे इन लोगों से? देखो हम तो ये बोलते हैं जो प्रत्याशी इन सब चीजों की शपथ लेता हो ऐसे कामों की, कि भाई हम इस गांव के पानी की निकासी कराएंगे, जो रोड हमारे दबे हुए हैं या कहीं हुए हैं उनको सीधा निकलवाएंगे, काम करेंगे, हम उन प्रत्याशियों के लिए तह दिल से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसे ही प्रत्याशियों की हम बिल्कुल तलाश में हैं। कौन कौन से और काम है पानी के अलावा, सड़कें की हालत कैसी है, बिजली की समस्या कैसी है? हमारे यहाँ एक खेल के मैदान की समस्या, थोड़ी बच्चों को रोड पर जाना पड़ता रेस मारने के लिए, तो कई बार दुर्घटना हो जाती है, और अभी लाइटिंग की थोड़ी ऐसी परेशानी है, गांव में पावर हाउस है हमारे, लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, गांव का पावर हाउस हमारी जमीन दे रखी है हमने अपनी, फिर भी हमारे यहाँ बिजली के लंबे लंबे कट रहे थे, कोई और समाधान बिजली का कोई नहीं कर रहा फिलहाल। तो क्या होना चाहिए? हमें बिजली, जैसे हमने गांव की जमीन दी है 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए हमारे यहाँ, और लाइब्रेरी की समस्या सबसे बड़ी, 10,000 प्लस वोट हमारे गाँव में, ऐसी कोई व्यवस्था किसी ने नहीं की अब तक भी लाइब्रेरी की भी। नरेश कटेसरा बीएसपी के कैंडिडेट है, उन्होंने आरोप लगाया है कि अलावलपुर गांव में बसों को रोका जाता है, एक बार घटना भी हो चुकी है, कुछ असामाजिक तत्वों ने लड़कियों की बसों पर हमला कर दिया था, उसमें लड़कियां सवार थी, क्या कहेंगे इसके? उस बस में केवल कटेसरा की लड़कियां नहीं थी, पूरे इलाके की लड़कियां थी, और कुछ दो चार असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये किया था, बाकी उसमें किसी जाति विशेष या पूरे गांव को बदनाम किया जाए ये तो उनका एक अफवाह चलाने वाली बात है, अफवाह चलाई जा रही है और कुछ नहीं है, और जो वो लड़के थे उन्हें जो कोर्ट ने जो भी उनका आपराधिक मामला बना था उसके लिए वो सजा भी काट के आए थे। अच्छा ये बताइए कि ये समस्या है पानी की आप देख रहे हैं, और कौन कौन सी मेन समस्या है अलावलपुर गाँव के जूझना पड़ रहा है? समस्या इतनी है जैसे कि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला परिषद में क्या माहौल है यहाँ का अलावलपुर का? सुना आज रैली भी निकल रही है उसकी, जो दूसरे कैंडिडेट है ललपुरा, हाँ कुलबीर की, देशवाल की, क्या लगता है कि वो भी सेंध मार रहे हैं अलावलपुर गांव में? ऐसा विपक्ष तो होता ही है थोड़ा बहुत, वो कैंडिडेट तो वो भी है। अच्छा ये बताइए कि समस्या जो आप देख रहे हैं इसको दूर कैसे किया जा सकता, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि गांव के ही लोगों ने जोहड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया, कई जोहड़ खत्म कर दिया। देखो ये तो राजनीतिक मुद्दे है, इसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। ये बताइए यूथ, आप सबसे पहले तो हमारा YouTube चैनल है वैभव क्रांति न्यूज, सब्सक्राइब जरूर कर देना, कर रखा होगा। अच्छा आई एम श्री बुटानी इंस्टाग्राम पर है और ट्विटर भी है। ये बताइए कि जो ये समस्या है इसको दूर कैसे किया जा सकता है, सबने अपनी अपनी राय दी आप भी बताओ। इसको दूर करने के लिए हमने जो सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो ये बहुत बुरा हाल मचा हुआ है गाँव में, और जो इस गाँव से गुजर के जाते हैं पलवल की साइड, वो सब लोग परेशान है इससे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश। बताओ क्या समस्या है, ये जो समस्या है इसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखो जी हमारे गांव में सबसे पहली समस्या है पानी की। ठीक है जी, तो ये थे हमारे बीच में गांव अलावलपुर के लोग, हमारा दायित्व है जन समस्या को उठाने का, कैंडिडेट और बहुत है, हम किसी के पक्ष में मतदान करने के लिए आपको अपील नहीं करेंगे। गांव अलावलपुर सदी बुटानी मेरा आपसे अनुरोध, नीचे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। वोकल फॉर लोकल के लिए इतना सा सहयोग हमें आपका चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।